नमस्ते, उषा रानी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो काफ़ी मतलब पुरानी, जब हम अपनी दादी के पास, नानी के पास होते थे तब हम खाते थे, वो हमें ट्रेडिशनल डिश बना के खिलाती थी, गुड़ का चीला। ये बरसात में और सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को गुड़ भी फ़ायदा करता है सर्दियों में, और गेहूं का चीला बनता है आटे का, तो वो भी स्वाद बनता है। तो अब बनाते हैं। गुड़, पानी डाल के इसे घोल के रख देते हैं। गुड़ घुल गया है, अब आटा ले लिया है मैंने, दोनों बराबर मात्रा में लिए हैं, एक एक कप। अगर मीठा आपको कम पसंद है तो आप गुड़ कम घोल सकते हैं। ये क्रस्ट सौंफ है, सौंफ से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये डाइजेशन में भी हमारे बढ़िया रहती है। इसे छान लेते हैं। और धीरे धीरे करके ये गुड़ का जो पानी हमने बनाया है उसे डालते रहें, जिससे कि आटे में गांठ ना हो, क्योंकि इन आटे में गांठ बन जाती हैं। अगर हम एकदम डाल दें फिर घोलें तो गांठें हो जाएंगी बहुत। ये घुल के तैयार हो गया है, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, जिससे क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। बेसन हो या आटा हो, ये दोनों चीज़ें फूलती बहुत हैं, तो इसलिए हमें इसे 10-15 मिनट ज़रूर सेट होने के लिए रखना चाहिए। ढक के रख दिया, देखिए घोल तैयार है और ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा गरम हो गया है, आप तवे पे ही बना सकते हैं, मैं खट्टे बना रही हूँ तो इसलिए गड्डिल पे बना रही हूँ। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं, इस पे डाल दिया है मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ऊपर से होने लगे हैं, इनका पानी जब सूखने लगता है तो ऊपर से ये थोड़े ब्राउन से दिखाई देने लगेंगे, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। अब पलट देते हैं इसे, और घी अब दूसरी साइड से भी थोड़ा लगा रहे हैं, और मैं ये देसी घी में बना रही हूँ। आपका मन अगर तेल में बनाने का है तो तेल में भी बना सकते हैं। देखिए सिक गए, अब मैंने निकाल लेती हूँ। देखिए 10 रुपये में बन के तैयार हो गए हैं 6 चीले, और स्वाद आएगा वो अलग, घर की चीज़ होगी शुद्ध बिल्कुल। हरी मिर्च जो हमने छौंक रखी है उससे मैं आपको बता रही हूँ खा के टेस्ट करके, और ये हाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी से भी बहुत अच्छे लगते हैं, और आम के अचार से भी। कभी पिकनिक पे जाएं तो आप अचार के संग खाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, और घर में आप चेंज के लिए आलू टमाटर के साथ खाएं तो भी बहुत अच्छी लगेगी ये। और हाँ, पर अभी इसे खा के ना मुझे ना बचपन की याद आ रही है बहुत, सारे बहन भाई बैठ जाते थे आराम से खाते थे और खूब एंजॉय करते थे, तो वही सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, हमारी रेसिपी देखिए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें नए नए जो हम बनाते हैं डिशेज। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।